नमस्कार, मैं प्रवीण सेठी, सिटी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। और आइए खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका में छात्र छात्राओं ने जताया विरोध, गिरी भारती उच्च विद्यालय में एडमिशन का है मामला। सरायकला जिले में जापानी बुखार पर अभियान तेज, 10 से 17 अप्रैल तक बच्चों को लगाया जाएगा टीका। सरायकला जिले के आदित्यपुर में अवैध बुच्चड़खानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू, नोटिस जारी। और ड्रॉप आउट बच्चों की सूची सौंपी गई सभी प्राचार्यों को, जिला शिक्षा परियोजना के तहत आयोजित हुआ है कार्यशाला। और अब खबरें सार से, और खबरों की शुरुआत करते हैं पूर्वी सिंहभूम जिला से। पूर्वी सिंहभूम जिला के पोटका हल्दी पोखर स्थित गिरी भारती उच्च विद्यालय में एडमिशन के नाम पर पैसे मांगने और इसके बदले प्राप्त रसीद नहीं दिए जाने से नाराज छात्र छात्राओं ने विरोध जताया। हालांकि इस मामले में स्कूल के कोई भी शिक्षक कुछ भी बोलने से बचते दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि काफी संख्या में लोग अभिवंचित वर्ग के बच्चों का 9वीं कक्षा में एडमिशन कराने विद्यालय पहुंचे थे। बात तब बढ़ गई जब इनसे एडमिशन के एवज में मोटी रकम की मांग स्कूल के द्वारा की गई। बच्चों का आरोप था कि प्रत्येक छात्र छात्राओं से एडमिशन के नाम पर 250 रुपए लिए जा रहे हैं और प्राप्त रसीद भी नहीं दी जा रही है। आप इससे समझ सकते हैं कि विद्यालय में एडमिशन और पढ़ाई के नाम पर बच्चों से किस प्रकार जबरन पैसा वसूला जा रहा है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में फ्री एडमिशन की घोषणा की है, जिसके बावजूद भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। हम एडमिशन होना, कितना पैसा दिए आप? 250 रुपए दिए। क्यों दिया 250? एडमिशन की बोला सर। अच्छा, तो रसीद दिया? रसीद उसमें नहीं दिए। अच्छा, कितना पैसा दिए आप? 250। रसीद दिया आपको? नहीं मिला? पहले ही कर लिए थे। क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? आप रसीद मांगे? बात अगर सरायकला जिला की करें तो सरायकला जिले के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में चल रहे सभी अवैध बुच्चड़खानों के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत हो गई है। इसके तहत प्रथम चरण में सभी बुच्चड़खानों को नोटिस दिया गया है। इसके बाद पुलिस के सहयोग से अब बुच्चड़खानों को बंद कराया जा रहा है। इधर बुच्चड़खाने बंद हो जाने से सैकड़ों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। खासकर मुर्गा मीट दुकानदारों के सामने अब बेरोजगारी की समस्या भी आ खड़ी हुई है। व्यवसायियों का मानना है कि निगम क्षेत्र में बिना किसी पूर्व तैयारी के आदेश को लागू किया गया है, जिससे व्यवसायियों के सामने भारी संकट उत्पन्न हो गई है। इधर कांग्रेस पार्टी ने सरकार के इस आदेश का विरोध करते हुए एक बार फिर आंदोलन का मन बनाया है। कांग्रेस महासचिव सुरेश धारी के नेतृत्व में सभी मुर्गा व्यवसायियों के साथ आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। इसे लेकर आदित्यपुर बाजार स्थित मुर्गा बाजार में व्यवसायियों के द्वारा आयोजित आपात बैठक में यह निर्णय लिया गया। बेवजह बुचर खाने के नाम पर गरीब गुरबा बेरोजगार युवकों को प्रसार करने का साजिश रची गई है, जिसके तहत मुर्गा व्यवसायी एवं खसी व्यवसायी बेरोजगारी के कगार पर आ गए हैं, भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। सरकार ये लोगों को भय दिखाकर इनके धंधे को बंद करने के पर आमद है। तमाम मुर्गा व्यवसायी लोग आज संगठित हो रहे हैं और अपनी बातों को मजबूती से रखने के लिए मीटिंग होगी, इसके बाद हम लोग आगे की कार्रवाई। और सरायकला जिले में जापानी बुखार के मरीजों के रोकथाम के लिए जिले भर में चरणबद्ध तरीके से अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 10 से 17 अप्रैल तक जिले भर में 15 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। सरकारी निजी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में जापानी बुखार के टीकाकरण को लेकर कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 1 से 15 साल तक के बच्चों को यह टीका निःशुल्क दी जा रही है। इसके साथ ही लोगों में जागरूकता भी फैलाई जा रही है। आदित्यपुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रोजाना दर्जनों लोगों को यह टीका निःशुल्क दिया जा रहा है। साथ ही प्रचार प्रसार के लिए ANM आंगनबाड़ी सेविकाओं को भी लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया गया है। जिला प्रशासन द्वारा भी स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर सभी प्रखंडों में इंसेफेलाइटिस बीमारी के रोकथाम को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 9 महीने बीतने के बाद इंसेफ्लाइटिस का प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस प्रोग्राम को झारखंड सरकार के सहयोग से झारखंड के 8 जिलों में चल रहा है। सरायकेला खरसावा भी हमारा उसमें आता है, क्योंकि पिछले साल कुछ केसेस मिले थे चांडिल में और आदित्यपुर में JEE के। उसके बाद से 2 फेज में इसको हम लोग कर रहे हैं, 10 तारीख से 28 तारीख तक। फर्स्ट फेज में स्कूल्स को कर रहे हैं, जितने भी स्कूल से प्राइवेट हो या सरकारी हो, सबों को लेटर के माध्यम से डुमरिया प्रभारी के थ्रू लेटर जा चुका है और स्कूल बहुत सारे स्कूलों ने इसको लेने के लिए शुरू कर दिया। कुछ ने रिफ्यूज किया था, बट समझाने के बाद वो तैयार हो गया, ठीक है। तो 10, 11, 12 और 17 कितना दिन में स्कूल्स में।
और जिला शिक्षा परियोजना के अंतर्गत जमशेदपुर में आयोजित कार्यशाला के दूसरे दिन जिले के विभिन्न स्कूलों से ड्रॉपआउट बच्चों की सूची सभी स्कूलों के प्राचार्यों को सौंपी गई तथा सभी बच्चों को वापस स्कूल में जोड़ने की हिदायत दी गई। बता दें कि जिले में लगभग सभी स्कूलों में 30% बच्चे अधूरी पढ़ाई कर स्कूल से बाहर निकल जाते हैं और पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देते हैं। इन सभी को ध्यान देते हुए सरकार स्कूल चले चलाएं अभियान राज्य स्तर पर चला रही है। इस कार्यशाला के दूसरे दिन जिला शिक्षा विभाग द्वारा सभी ड्रॉपआउट छात्रों की सूची स्कूल प्राचार्य को सौंप दी गई है। शिक्षा विभाग के अनुसार सभी वर्ग के विद्यार्थियों को कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई अति आवश्यक है और इस कारण से इस मुहिम को चलाया जा रहा है और बेहतर शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रखंड 1 के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हम लोग ये कार्यक्रम पूरे राज्य में एक साथ चलाया जा रहा है और इसका उद्घाटन पूरे राज्य पर 10 तारीख को एक साथ किया गया, 12 तारीख को जिले में हुआ और आज के दिन पूरे प्रखंड में, पूरे राज्य के सभी प्रखंड में एक साथ उद्घाटन किया जा रहा है। कल से विद्यालय, सभी विद्यालयों में इसी तरह का अभियान चलाया जाएगा और जितने भी हमारे विद्यालय के छूटे हुए बच्चे हैं, जो ड्रॉपआउट बच्चे हैं, उनका नामांकन, साथ साथ जो भी उस पोषक क्षेत्र के बच्चे हैं उनका नामांकन अपने नज़दीक के विद्यालयों में करने का हमने एक संकल्प, माननीय मुख्यमंत्री ने एक संकल्प उठाया है। कुशवाहा संघ जमशेदपुर की ओर से उपायुक्त कार्यालय पर 5 सूत्री मांगों के समर्थन में एक दिवसीय महाधरना का आयोजन किया गया। बिहार के तर्ज पर झारखंड में भी सम्राट अशोक जयंती पर राजकीय अवकाश घोषित करने, मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण देने व अन्य मांगों के समर्थन में कुशवाहा संघ जमशेदपुर की ओर से बुधवार को उपायुक्त कार्यालय पर एक दिवसीय महाधरना का आयोजन किया गया तथा उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। कुशवाहा संघ के उपाध्यक्ष दिलीप प्रसाद ने मांग पत्र में उठाए गए मुद्दों के संबंध में जानकारी दी। मुखिया से हम लोगों की मांग है उपायुक्त महोदय के माध्यम से कि पूरे बिहार में सम्राट अशोक महान के नाम पर एक दिन की राजकीय छुट्टी दी गई है, उसी के तर्ज पर झारखंड में भी एक दिन की राजकीय छुट्टी दी जाए अब 4 अप्रैल को। साथ ही साथ दूसरी मांग है कि जाति प्रमाण पत्र जो बनने में दिक्कत हो रही है उन्हें सरल किया जाए, जो संस्था सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है उस संस्थान को अधिकार दिया जाए, उनके अध्यक्ष सचिव को, कि उनके आधार पर जाति प्रमाण पत्र बने, अगर गलत होने पर उन्हें उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाए, जीने का अधिकार है उन्हें भी आवासीय प्रमाण पत्र दी जाए। साथ ही साथ OBC को झारखंड में 14% आरक्षण है, हमें सरकार से डिमांड है कि 27% आरक्षण केंद्र के तर्ज पर दी जाए। साथ ही साथ यहाँ पर सरकारी निकायों में और प्राइवेट संस्थाओं में भी OBC प्रमाण पत्र, OBC को 27% आरक्षण दिया है नौकरियों में। इसी 5 मुद्दे को लेकर हम लोग उपायुक्त महोदय के कार्यालय के सामने हम लोग उपस्थित है। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ। स्वर्ण आभूषण की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम, गहनों के साथ हम रिश्ते भी गढ़ते हैं, तभी तो आप हम तक खिंचे चले आते हैं। स्वर्ण आभूषणों की सैकड़ों डिजाइन जो आपके नारित्व को दे श्रृंगार की पूर्णता, हम देते हैं गहने आपको पूर्ण विश्वसनीयता हॉलमार्क सर्टिफिकेशन के साथ। गहने अब आपकी पहुंच के अंदर, 12 महीनों तक आपके द्वारा जमा किश्तों में हम जोड़ेंगे 13वीं किश्त और फिर गहने आपके अपने। हमारे यहाँ गहनों की मेकिंग चार्ज ₹249 से शुरू है, तो अब रिश्तों को दीजिए एक नई परिभाषा। चले आइए स्वर्ण ज्वेलर्स में। स्वर्ण आभूषण, शॉप नंबर 142/A, अपन्ना लाइन, साक्षी बाजार, जमशेदपुर। फोन 0657-223-1159 एंड 9279261371। हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो एक कामयाब जिंदगी गुजारे, तो फिर आप क्यों नहीं, हम आपको काम सिखाकर
नौकरी के लायक बनाएंगे। आप आए हमारे पास राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, टिग आर्गन वेल्डिंग, मिग CO2 वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग 6G पोजीशन, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, एयर कंडीशन टेक्नीशियन, ऑपरेटिंग JCV, एक्सकवेटर, मोबाइल क्रेन, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। झारखंड का एकमात्र इंस्टीट्यूट जो नेबोशकर लर्निंग सेंटर है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त, जहां महीने में कम से कम 2 बार कैंपस सिलेक्शन होता है। राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मस्जिद रोड, गोलमुरी, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657-654-3741, मोबाइल नंबर 0980-149-5586 और 0997-377-0707, और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। मित्तल क्राफ्ट कंस्ट्रक्शन प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स फॉर रियल एस्टेट पेश करते हैं एमिरेट्स अपार्टमेंट, आपके ख्वाबों का आशियाना अब आपके पास। 2BHK एंड 3BHK फ्लैट सभी सुविधाओं से युक्त, CNT एक्ट से मुक्त, किफायती दामों पर, 24 आवर्स वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, अराउंड द क्लॉक सिक्योरिटी, लिफ्ट की सुविधा, कार पार्किंग, इजी फाइनेंस की सुविधा और मेन रोड के नजदीक। तो आज ही बुक करें अपने सपनों का घर एमिरेट्स अपार्टमेंट में। मित्तल क्राफ्ट कंस्ट्रक्शंस प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स फॉर रियल एस्टेट, या कॉल करें 9931117780 या 9771487336 पर। आप अपनी बालकनी से अद्भुत एवं मनमोहक नजारे देख सकते हैं। घर का डिजाइन वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मित्तल क्राफ्ट कंस्ट्रक्शंस प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स फॉर रियल एस्टेट। साइट एड्रेस हाजी साहेब पेट्रोल पंप के नजदीक, रोड नंबर 14, मांगो, जवाहर नगर। आर ऑफिस एड्रेस मित्तल निवास, गोविंद नगर, ऑपोजिट 12KD फ्लैट, कदमा, जमशेदपुर 831005। मोबाइल नंबर 9931117780 एंड 9771487336। लैंडलाइन नंबर 0657230013। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बात जमशेदपुर की। ऑल इंडिया कन्वाई वर्कर्स यूनियन के बैनर तले कन्वाई चालकों ने DC कार्यालय पर प्रदर्शन किया। कन्वाई चालकों के न्यूनतम वेतन और अन्य सुविधाओं की मांग के समर्थन में ऑल इंडिया कन्वाई वर्कर्स यूनियन के बैनर पर बुधवार को कन्वाई चालकों ने उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया। बाद में एक प्रतिनिधिमंडल DC से भेंट कर ज्ञापन सौंपा। इधर यूनियन के महामंत्री ज्ञान सागर प्रसाद ने मीडिया को बताया, DC ने 3 दिनों के अंदर न्यूनतम वेतन का निष्पादन करने का आश्वासन दिया है। कि कन्वाई चालकों को जो न्यूनतम मजदूरी लागू है उसको हर हाल में लागू किया जाए, जो आश्वासन के चलते आज तक नहीं लागू हुआ। अभी DC महोदय ने DLC महोदय को तुरंत इस बैठक में बुलाए, तो अभी DLC महोदय, DC और DC महोदय के बीच में जो वार्ता हुई है उसमें यह तय हो चुका है कि हम लोग का जो रेट सरकार द्वारा तय, वो रेट जो है विभाग ने बना दिया है और 2-3 दिन के अंदर में ही मिलाकर बातचीत करके क्लियर पैसा हम लोग को मिल जाए। हम लोग को आश्वासन नहीं है, बल्कि दोनों वरीय अधिकारी के बीच में बात हम लोग को बता दिया गया है, तो हम लोग संतुष्ट है। निश्चित रूप से हम लोग का 2 दिन का और इतना दिन इंतजार किया तो 2 दिन और सही। ये हम लोग को आज इससे हम धन्यवाद दिए हैं, आपके चैनल के माध्यम से DC को, DLC को धन्यवाद दे रहे हैं हम लोग कि चलो मजदूरों का मेहनत रंग लाया। कन्वाई चालकों का 40 साल के बाद पहला बार न्यूनतम मजदूरी लागू होने जा रहा है। जमशेदपुर के करंडी स्थित जाहिर थान में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया और 8 मई को मनाए जाने वाले सेंद्रा पर्व की तैयारी की समीक्षा की गई। 8 मई को झारखंड, बंगाल, ओडिशा से लोग जमशेदपुर के दलमा पहुंचेंगे, जहां पूरे विधि विधान व पूजा अर्चना के साथ सेंद्रा पर्व मनाया जाएगा। इस संबंध में दलमा राजा के नेतृत्व में करंडी स्थित जाहिर थान में एक बैठक का आयोजन किया गया। वह पर्व मनाने की तैयारी को लेकर रणनीति बनाई गई।
वहीं बैठक के संबंध में दशमत हांसदा ने बताया कि इस दौरान सीएनटी व एसपीटी एक्ट संशोधन मामले पर भी विचार किया जाएगा। हो रहा है विश्व सेंद्रा जो आगामी 8 मई को ये दलमा में होने जा रहा है, उसके लिए जो है आज तैयारी बैठक हो रहा है और उस विश्व सेंद्रा में जो है पूरा उड़ीसा, बंगाल, झारखंड से लोग आएंगे और अपना परंपरा को बचाते हुए विश्व सेंद्रा में शिरकत करेंगे। क्या कुछ बैठक में विशेष निर्णय लिया गया? बैठक में विशेष निर्णय ये है कि उस विश्व सेंद्रा में जो हमारा परंपरा दिसम दरबार जो है ये लोबिर बिचर, उसमें जो है आज हमारे आदिवासी की सांस्कृतिक परंपरा, इसमें जो है बड़ा चिंता का विषय है। झारखंड महिला मोर्चा का प्रतिनिधि मंडल जमशेदपुर के एसएसपी से भेंट कर ज्ञापन सौंपा। बताया जा रहा है कि सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के भुयाडी बल्ले चौक से रीता पोद्दार अपने ससुराल से पिछले 12 मार्च से लापता है। रीता की मां ने इस संबंध में सीताराम डेरा थाना में लिखित शिकायत की, परंतु इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बुधवार को झारखंड महिला मोर्चा जिला कमेटी का प्रतिनिधि मंडल एसएसपी से भेंट करके ज्ञापन सौंपा। जब से शादी दी है तब से लड़ाई झगड़ा मार पीट झमेला, के दफे मेरा घर भी गई थी लड़की। हम लोग समाज में भी मीटिंग बैठाए हैं, अपना में भी समझौता किए हैं, तब भी मेरा समाज मेरा दामाद समझा नहीं अभी तक। तो बार बार मारपीट करता था, बार बार लड़ाई झगड़ा करता था, कितना समझाने पर भी नहीं समझा। शादी कितना साल हो गया है? शादी का 6 साल पार हो गया है। कब से लापता है आपकी? 1 महीना से पार हो गया है, 11 मार्च 11 रात को बोलता है, 11 तारीख। हम लोग को 12 को पता चला है, तो हम लोग 13 को दिए थे। कहाँ से लापता हुई है? ससुराल से। और झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया, बाद में उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। शहर में बिगड़ रही विधि व्यवस्था दुरुस्त करने समेत अन्य मांगों के समर्थन में जेएमएम जिला कमेटी की ओर से बुधवार को डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया, बाद में एक प्रतिनिधि मंडल डीसी से भेंट कर ज्ञापन सौंपा। इधर जिला अध्यक्ष रामदास सोरे ने बताया, ज्ञापन में शहर के साथ साथ संपूर्ण जिले में विधि व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की गई है। जिला प्रशासन को जो यहाँ पर कुछ लोग, कुछ गुंडे तत्व के लोग, कुछ असामाजिक तत्व के लोग यहाँ इस राज्य में, इस जिला में ये सांप्रदायिकता फैलाने के लिए ये लोग एकदम कटिबद्ध है, जो हर जगह प्रयास किया जा रहा है। आप देख रहे हैं पटमदा में, मकदमपुर में, यहाँ पर जमशेदपुर में, यहाँ पर रांची में, जो इस तरह का जो लोग हैं, निश्चित रूप से ये सरकार के साथ किसी न किसी रूप से ये लोग साठगांठ है। आज वैसे लोग को अंकुश लाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला प्रशासन को ये लिखित रूप से दे रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बात सरायकेला जिला की। सरायकेला जिले के कपाली गांगुडी निवासी मुस्तफा खान के परिवार वालों ने एसएसपी से भेंट कर ज्ञापन सौंपा। मंच के पदाधिकारी सोनू सिंह का कहना है, 10 अप्रैल की रात ड्यूटी के समय सिटी डीएसपी के साथ गलत व्यवहार, गाली गलौज किया गया और सिख महिलाओं के साथ मारपीट की गई, इससे डर का माहौल बन गया है। उन्होंने बताया एसएसपी से घटना पर कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है। मुख्यमंत्री के परिवार के द्वारा 100 घटनाएं घट चुकी हैं, उसके बाद भी प्रशासन के साथ कोई प्रशासन किसी तरह की उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है। ऑन ड्यूटी ऑफिसरों को गाली दी जा रहा है, थाने में जाकर के बड़ा बाबू छोटा बाबू साथ अदव्यवहार किया जा रहा है। उसके बाद 200 से 300 पब्लिक के बीच में हमारे शहर के सिटी डीएसपी जो एक ऑनेस्ट ऑफिसर है, उनके द्वारा कई बार जमशेदपुर में शांति व्यवस्था बनाए जाने का काम मीडिया के द्वारा हम लोग देखे गए और हर जगह वह पहले पहुंचकर माहौल को शांत कराने का काम कर रहे हैं। उसके बाद ऑन ड्यूटी ऑफिसर उस दिन जब वहां ड्यूटी पर गए थे, निमेश नथानी जी के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है मुख्यमंत्री के परिजनों के द्वारा, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर हम लोग वरीय पुलिस उपाध्यक्ष से मिलने के लिए आए। यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ। Aspire Classes is a distinguished institution in the field of educational arena of Jamshedpur, which facilitates education platform for the students of CBSE, ICSE, JAC and NIOS. An institution where experienced faculties coach the students in the spiritual environment. This institute is the institution of the students, by the students and
for these students. Parents are also the partners of the institution who help us in achieving the goal by being conscious at home. Our objective is to produce best students in the academic as well as cultural and spiritual field. The institute also imparts coaching for the competitive exams like railways, SSC, banking and other government and private sectors. The institute conducts special classes for NTTF, apprentices, polytechnic, ITI and diploma past candidates. Aspire classes, holding number 1, Chandinagar near MGM Hospital, Sakchi Jamshedpur. Phone 2231212. शिक्षा, नौकरी, व्यापार या घरेलू समस्याएं, अब है हर समस्या का समाधान प्रसिद्ध हस्तरेखा और वास्तुशास्त्र के ज्ञाता एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर तपन रॉय के पास। कई पुरस्कारों से सम्मानित एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर तपन रॉय, जिनके पास है 25 वर्षों का अनुभव। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान करेंगे 100% गारंटी के साथ। 25 साल से अनुभव से हम ज्योतिष विद्या जमशेदपुर में कर रहे हैं और सारे लोग जमशेदपुर हो चाहे बाहर के भी हो, हमने 100% गारंटी के साथ फायदा देते हैं। तो आइए एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर तपन रॉय के पास और हो जाइए टेंशन फ्री। बहुत दिन से ही मिल रही हूँ, जब से मिल रही हूँ बहुत ही फ़ायदा हुआ है। और मैं फिजिकली एंड पर्सनली बहुत ही प्रॉब्लम से गुजर रही थी, लेकिन इनके पास आके मुझे बहुत रिलीफ हुआ है, मेंटली, फिजिकली, हर तरफ से। पता, आकाशदीप प्लाजा, शॉप नंबर 145, ग्राउंड फ्लोर, गोलमुरी, जमशेदपुर। मिलने का समय शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। कॉन्टैक्ट नंबर 9934182433 और 9431301161। Idol Coaching Center is the best institute of Jamshedpur. Idol Coaching Center provides courses IITG, Medical Foundation. Parents, kripya dhyan dein. जो छात्र स्टैंडर्ड 7, 8, 9, 10 या फिर 11 में फेल हो गए हैं और आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं और उनका साल बेकार हो रहा है, तो आइडल कोचिंग सेंटर उनको आगे की पढ़ाई कराएगा साल बेकार किए बिना, चाहे वो किसी भी बोर्ड से करना चाहते हों, जैसे CBSE, JAC, NIOS। Courses offered by Idol Coaching Center, IITG, Foundation. Tuition for ISC and ICOM students. Preparation for NEET, PMT, Medical. Polytechnic Entrance. Tuition for BSc and BCOM students. We also assist for admission for regular and private registration. CBSE, ICSE, JAC, NWAC and NIOS. Please come. Hurry up. Admission going on. Contact Idol Coaching Center, 2C Landmark Tower, Thakurbari Road, Ambagan, Sakchi, Jamshed. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बात सरायकेला जिला की। सरायकेला जिले के कपाली गांगोडी निवासी मुस्तफा खान के परिवार वालों ने SSP से भेंट कर ज्ञापन सौंपा। इधर मुस्तफा खान का कहना है, काशीडी स्थित लाइन नंबर 9 स्थित पैतृक संपत्ति को लेकर जान से मारने की धमकी दी जा रही है, SSP से न्याय की गुहार लगाई गई है। वो क्या बोल रहा है, वही लिया क्या जमीन? हमारे माँ का नाम का घर है। क्या नाम था? फजल बीबी के नाम से, अभी भी अलॉट किया हुआ टाटा का है। कहाँ पर? टांगा लाइन नंबर 25 कॉटन नंबर 520 में। कासडी बस्ती नियर गुजराती स्कूल। मामला ये है कि उनके माँ का नाम का है। अब उनकी अभी जिंदी है उनकी बेटी, उसका सुल्ताना बीबी, और उसका जो भतीजा लोग है जबरदस्ती जाली कागज बना के अपने नाम से कर लिया और एक बिल्डर को खड़ा किया। बिल्डर है अरशदुल्ला नाम है, वो मोमड़ा लेन साक्षी में रहता है। और झारखंड आंदोलनकारियों द्वारा जमशेदपुर उपायुक्त से भेंट कर पेंशन योजना का लाभ देने की मांग की गई है।
बहरागुड़ा के झारखंड आंदोलनकारियों का प्रतिनिधि मंडल बुधवार को उपायुक्त से मिला तथा आंदोलनकारियों को मासिक पेंशन दिलाने की मांग की गई। इधर झारखंड आंदोलनकारी जगदीश चंद्र साहू ने इस संबंध में जानकारी दी। आंदोलनकारी हैं, लेकिन पहले आवेदन में हम लोग कारावास का प्रमाण पत्र जमा नहीं किए, बाद में किए, आयोग में भेजे, जाकर आयोग में भी देखे, लेकिन आज तक हम लोगों को झारखंड आंदोलनकारी का जो पेंशन है नहीं मिला। कुछ आदमियों को मिला है लेकिन हम लोगों को नहीं मिला। हम लोग भी कारावास किए हैं, आंदोलन किए हैं राज अलग राज्य के लिए, लेकिन हम लोग को ये न्याय नहीं मिला। आज एक प्रखंड कार्यालय तो कल जिला कार्यालय हम लोग भटकते रहे, तो आप लोगों के माध्यम से हम लोग चाहेंगे कि सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना या आयोग का, कि हम लोगों को न्याय मिले। हम लोग यहाँ DC IDC साहब से मिलने आए थे। यहाँ हम लोगों को बोला गया कि आयोग में जाइए, वहाँ संपर्क कीजिए, तो अब आप लोगों को मिलेगा। और जमशेदपुर ट्रैफिक पुलिस की ओर से साक्षी जुबली पार्क गेट के नजदीक नो पार्किंग में खड़े वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया गया। बताया जा रहा है बुधवार को साक्षी जुबली पार्क गेट के समीप नो पार्किंग में खड़ी वाहनों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की ओर से अभियान चलाया गया। नो पार्किंग में खड़ी वाहनों को क्रेन से उठाकर साक्षी थाना ले जाया गया, जहां फाइन करने के बाद वाहनों को छोड़ दिया गया। इधर ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर PP खालको ने अभियान के संबंध में जानकारी दी। लगातार जो भी जो है नो पार्किंग जोन में लगा है, रोड के किनारे में जो भी जो है भीड़भाड़ कर रहा है, अनावश्यक यातायात को बाधित कर रहा है, सारी गाड़ियां मालिक को खोजने के प्रयास कर रहे हैं, नहीं मिल रहा है तो सारी गाड़ी उठा कर लेंगे, सबका फाइन कटेगा, जो भी सड़क उसमें कार्रवाई होगी, जो भी सड़क पे गाड़ी रहेगी उसको उठा लिया जाएगा। हाँ, प्रयास पूर्णता है, कार्रवाई जारी है, जारी है। बिल्कुल बिल्कुल। और टाटा नगर रेलवे स्टेशन में सामाजिक भावना के उद्देश्य से ब्रह्मानंद सेवा सदन की ओर से व्हीलचेयर, स्ट्रेचर व एक यात्री वैन टाटा नगर रेल प्रबंधन को सुपुर्द किया गया। ब्रह्मानंद सेवा सदन के मोनू भट्टाचार्य जी के अनुसार उन्होंने कई जगहों पर इस तरह की सुविधा यात्रियों के लिए देखी, जिससे प्रेरित होकर उनके द्वारा सामाजिक भावना के उद्देश्य से टाटा नगर रेल प्रबंधन को यात्रियों की सुविधा के लिए यात्री वैन, विकलांग व रोगी यात्रियों के लिए व्हीलचेयर व स्ट्रेचर प्रदान की गई, ताकि एक छोटी सी पहल से कई लोगों को सुविधा प्रदान हो सके। कुछ नहीं, ऐसी मन में इच्छा हुई फोर सीटर इस तरह का गाड़ी दे, जो कि मैं एयरपोर्ट में देखा था, जमशेदपुर स्टेशन में ऐसा कुछ था नहीं, तो मुझे लगा कि जमशेदपुर स्टेशन में इस तरह के तो फोर सीटर प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि सीनियर सिटीजन क्लास जो डिसेबल्ड है, जो कि चल नहीं पाते हैं, उसके लिए मैंने इसको सोचा था। अगर फिर भी इसके अलावा भी ऑप्शन ओपन है, कोई भी आकर के मैं बैठ करके आ सकता है, बट डेफिनेटली ये प्रॉपर नंबर वन में लिमिटेड रहेगा। और जमशेदपुर के मानगो स्थित एक नर्सिंग होम में चांडिल की रहने वाली मंजू देवी के पेट का ऑपरेशन कर डॉक्टरों ने उनके गॉल ब्लाडर से 100 ग्राम के दो पत्थर निकाले, जिसे देख मरीज के परिजनों के साथ डॉक्टर भी हैरत में हैं। दया नर्सिंग होम के डॉक्टरों ने पीड़ित महिला की जांच के बाद पथरी की शिकायत बताई थी और ऑपरेशन की सलाह दी थी। कुछ दिनों बाद जब डॉक्टरों ने इनका ऑपरेशन किया तो ऑपरेशन थिएटर में मौजूद सभी लोग हैरत में पड़ गए। बता दें, महिला के पेट में पथरी होने के बावजूद महिला पैसे के अभाव के कारण अपना इलाज नहीं करवा पा रही थी। दया नर्सिंग होम के संचालक की पहल पर कम खर्च में पीड़ित महिला का सफल ऑपरेशन डॉक्टरों ने किया, जिसके बाद पीड़ित महिला और उनके परिवार में खुशी का माहौल व्याप्त है। चांडिल का पेशेंट है वो, तो हमने फिर अपने सर्जन को बुलाया, सर्जन डॉक्टर OP श्रीवास्तव, उन्होंने आकर के देखा, अल्ट्रासाउंड को पता चला कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो आज 9 बजे उस पेशेंट को ऑपरेट किया गया। ऑपरेट करने के बाद जब पत्थर निकाला गया तो सारे डॉक्टर भी और जो ऑपरेशन में जो असिस्ट कर रहे थे वो भी अचंभित हो गए। चलने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका में छात्र छात्राओं ने जताया विरोध, गिरी भारतीय उच्च विद्यालय में एडमिशन का है मामला। सरायकेला जिले में जापानी बुखार पर अभियान तेज, 10 से 17 अप्रैल तक बच्चों को लगाया जाएगा टीका। सरायकेला जिले के आदित्यपुर में अवैध बुच्चड़खानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू, नोटिस जारी। और ड्रॉप आउट बच्चों की सूची सौंपी गई सभी प्राचार्यों को, जिला शिक्षा परियोजना के तहत आयोजित हुआ है कार्यशाला। इस बुलेटिन में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए मैं दीजिए इजाजत, नमस्कार।